यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वर्ष 2017 के बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में आज पंचकुला की एनआईए कोर्ट में सुनवाई होगी और मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश होने वाले हैं। पिछली सुनवाई के दौरान एनआईए के इंस्पेक्टर आरएएस जमवाल की गवाही होनी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते गवाही नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकी घटना थी। 18 फरवरी 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे और ये ट्रेन दिल्ली से अटारी जा रही थी। हरियाणा के पानीपत जिले में सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक ट्रेन में विस्फोट हुए थे, जिसमें तकरीबन 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और इसमें 13 अन्य लोग घायल हो गए थे। मारे गए ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे।